हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और वीडियो शुरू करने से पहले जरा ये देखो, ये जो है वो रोड है और रोड के ऊपर पानी है और पानी के ऊपर नाला है। तो इंजीनियर साहब जरा हमें बता दीजिए कि रोडवा का पानी नाला में कैसे जाएगा। मतलब यार, ऐसे नमूनों की क्रिएटिविटी देखकर 21 तोपों की सलामी देने का मन करता है। कौन है ये लोग, कहां से आते? वैसे भाई, इस नायाब अजूबे को बनाने वाला इंजीनियर भी ऑस्कर के लायक है, पर मुझे ये सोचकर चक्कर आ रहा है कि इन सीढ़ियों पर चढ़ा कैसे जाता है। वैसे क्या आपको पता है इन सीढ़ियों पर चढ़ने का तरीका, कमेंट में बताना। आज आपको कुछ ऐसे ही नमूने इंजीनियर्स के कारनामे दिखाने वाला हूं, जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अब भाई लोग, क्या आप भी अपने घर में टाइल्स लगवाना चाहते हैं? तो इसके लिए किसी होशियार कारीगर को ही चुनना, वरना अगर आपके पल्ले भी नौसिखिए कारीगर पड़ गए तो फिर आपको कटोरा लेकर सड़क पर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हम ये हवा में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो ने ये साबित करके दिखाया है। आप भी देखिए किस तरह जब ये सीनियर कारीगर हल्की हथौड़ी से टाइल को सेट कर रहा था, तभी पीछे खड़ा लेबर हल्की हथौड़ी को भारी वाली हथौड़ी से चेंज कर देता है। और जब ये कारीगर इस हथौड़ी को टाइल पर मारता है तो बेचारी टाइल का वहीं दम घुट जाता है और वो परलोक सिधार जाती है। ये कारीगर तो लेजेंड्स का भी लेजेंड है, जो जिस सीढ़ी पर खड़ा है उसी को तोड़े जा रहा है। A few moments later. पता नहीं कौन सा नशा करता है और ऑनलाइन इंजीनियरिंग करके क्रिएटिविटी के नाम पर हगा करता है। गाना वाना नहीं आता, लेकिन भैया ये गाना गलत नहीं है, बल्कि नजारा ही कुछ ऐसा है। इस घर को बनाने वाला इंजीनियर वाकई में सस्ते नशे करता होगा। मतलब यार, क्या ही घर बनाया है। मतलब यार, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में रहा कैसे जा सकता है। बात तो सही है। अभी तक मैंने आपको बेवकूफ इंजीनियर से मिलवाया, पर अब मिलिए एक बहुत ही जुगाड़ू इंजीनियर से। इन भाई साहब ने अपने काम को आसान करने के लिए ऐसा जुगाड़ लगाया जिसे देखकर नासा वाले भी माथा पीट लेंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते? अगर आप कम जगह में आलीशान घर बनवाना चाहते हैं तो जरा इस घर को देखिए। इस घर के मालिक के पास जगह कम थी, इसलिए उसने इंजीनियर को भी इस बारे में बताया और फिर इंजीनियर ने जो क्रिएटिविटी दिखाई है वो आप सभी के सामने है। वैसे क्या किसी को पता है कि इस घर में जाते कैसे? मतलब मुझे तो इस घर में कहीं पर भी अंदर जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। आपको दिखा क्या, हमें कमेंट में बताना भैया। अब जरा इस सड़क को देखिए, जिसे बनाने वाले ठेकेदार ने पैसे बचाने के चक्कर में सड़क के नाम पर ये क्या बवासीर बना के रख दिया, ये तो खुद उसे भी नहीं पता। सर, ये तो टट्टी है। ठेकेदार साहब ने ये घटिया सड़क बनवा तो दी, पर ये नहीं सोचा कि इस सड़क को कोई इंजीनियर आखिर पास कैसे करेगा। पर हाँ, अगर गलती से भी कोई सड़क को चेक करने कोई ऑनलाइन पढ़ाई करके बना इंजीनियर आ गया तो फिर कुछ नहीं कह सकते। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो साला, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि भाई लोग, आप टॉयलेट का इस्तेमाल हल्का होने के अलावा किस चीज में करते हो? अब आप सोच रहे होंगे कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया जो ये इतनी अजीबोगरीब बातें कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये महा तेजस्वी कारीगर टॉयलेट का इस्तेमाल आग लगाकर चूल्हे के रूप में भी करते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इन कारीगरों को कम समय में पूरा का पूरा घर बनाना था, इसलिए इन्होंने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया और रेडीमेड दीवार का इस्तेमाल किया और कुछ ही समय में एक आलीशान घर बनाकर तैयार कर दिया। मगर इस घर के तैयार होने के कुछ ही दिनों के बाद इस घर की कुछ ऐसी हालत हो गई। कुछ भी। वैसे आपको वीडियो देखने में मजा तो आ रहा है ना? और अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर आप सभी का प्यार बना रहा तो 100K भी दूर नहीं है। दोस्तों, अब जरा इस वीडियो को देखिए। उत्तरी, ये तो अलग ही लेवल के सस्ते नशे हैं। पक्का इस नल को बनाने वाले कारीगर ने ऑनलाइन पढ़ाई करके डिग्री ली होगी। कौन है ये लोग, कहां से आते? लोग अपने घर में ताजी हवा लेने के लिए बालकनी बनवाते हैं, पर अब जरा आप इस घर की बालकनी को देखिए, जिसमें जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। अब भाई लोग, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बालकनी को इंजीनियर्स ने स्पेशली स्पाइडरमैन भैया के लिए बनाया है। देखिए बावले इंजीनियर्स की कारीगरी का एक और नमूना। इस इंजीनियर ने पता नहीं कौन से सस्ते नशे लेकर इस सीढ़ी को बनाया होगा, जिस पर चढ़ना सुपर हीरो के बस की बात है।
हम इंसान तो इस सीढ़ी पर चढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मेरे ख्याल से इस सीढ़ी को बनाने वाला इंजीनियर कुछ तूफानी करना चाहता था और इसी चक्कर में उसने ये कारनामा कर दिया। गजब बेइज्जती है। लगता है इस घर के मालिक के पास कम जगह थी, इसीलिए उसने ये तगड़ा जुगाड़ लगाया और एक पतली सी दीवार पर बहुत बड़ी आलीशान बिल्डिंग को खड़ा कर दिया। सच्ची बोल रहे हो भाई लोग, ये आइडिया तो सिर्फ लेजेंड्स लोगों के दिमाग में ही आ सकता है। अच्छा है भैया, अबे ये क्या बना दिया तुमने, समझे कि नहीं? तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आप कितनी अमेजिंग वीडियोस को देखते हो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिए। हम मिलते हैं आपको फिर किसी फंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।